हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं कंजेक्शंस पर, और आज का हमारा टॉपिक है एज इफ और एज दो। इन दोनों का यूज एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन कॉमनली जो यूज किया जाता है वो एज इफ का ही किया जाता है। अब हम ये देख ले कि हिंदी के वो कौन से शब्द है जिनके लिए हम इनका यूज करते हैं। मानो, मानो कि, जैसे, जैसे कि, किस सेंस में यूज करते हैं। अनरियल, इमेजिन या सपोज किया जाता है, यानी काल्पनिक जब स्थिति होती है, अनरियल कंडीशन, उस सेंस में हम एज इफ और एज दो का यूज एज ए कंजेक्शन करते हैं। अब आप इस चीज को समझिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, फिर आप एज इफ या एज दो का यूज करोगे, उसके बाद सामान्यता जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है। तो इस अनरियल कंडीशन को शो करने के लिए इस प्रेजेंट और फ्यूचर को हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट में। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ का मतलब होता है एस या ई एस। इसके बाद अदर वर्ड्स हो सकते हैं, फिर आप एज इफ और एज दो का यूज करोगे, और उसके बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहली, जब सेकंड सेंटेंस में वर्ब ना दी हुई हो और एडजेक्टिव और नाउन दिया हो, तो आप सब्जेक्ट और उसके बाद सीधा वर्ब का यूज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको अनरियल कंडीशन के लिए जब एडजेक्टिव और नाउन दिया हो, वर्ब नहीं दी हो, तो आप वर्ब का ही यूज करोगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, ही, सी, इट, दे या किसी का नाम हो, तब भी आप वरी यूज करोगे। कुछ लोग वाज का भी यूज करते हैं जो कि उचित नहीं है, वर का यूज ज्यादा बेटर है, और एग्जाम में भी जब आपसे पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो इसका आंसर वर ही होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इस पार्ट के बाद यदि जो सेंटेंस दिया है उसमें वर्ब दी हुई हो, तो आप सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे और फिर अदर वर्ड्स लिख दोगे। या फिर आप इसी को यूं भी लिख सकते हो, जब वर्ब दी हुई हो तो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, और इसके बाद जो है अदर वर्ड्स इसमें हो सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन है कि कुछ जगहों पे हम सब्जेक्ट के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं और फिर अदर वर्ड्स। अब ये कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप केवल इतना ध्यान रखो, जब हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरह से होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस लगाओ, उसके बाद आप एज इफ या एज दो का यूज करते हो, तो या तो ये पहली कंडीशन होती है या दूसरी कंडीशन, और इनका ही ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन फिर भी मैं आपको सब तरह की सिचुएशन बता रहा हूं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह इस प्रकार चलता है मानो कि, या जैसे कि वह घोड़ा हो। अब देखिए, इस सेंटेंस को जब आप देखते हो तो वास्तव में वो घोड़ा नहीं है, लेकिन ये एक अनरियल कंडीशन को शो करता है कि वह ऐसे चलता है जैसे घोड़ा हो, यानी घोड़े की तरह चलता है। तो सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, पहला सेंटेंस क्या है, वह चलता है, तो ही वॉक्स। फिर एज इफ या एज दो का यूज करोगे किसी में से एक का। फिर दूसरा सेंटेंस आप लिखोगे ही वर ए हॉर्स, और ए हॉर्स यहाँ पे नाउन है, और नाउन या एडजेक्टिव दिया हो तो हम सीधा वर का यूज करते हैं, आंख बंद करके, सब्जेक्ट चाहे हमारा जो भी हो। तो ये आपको देखना है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस प्रेजेंट में था और हमने इसको पास्ट में बदल दिया, क्योंकि ये अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है। इसलिए दूसरा सेंटेंस ले, तुम इस प्रकार रटते हो जैसे कि तुम तोता हो। अब देखिए, रियल में वो तोता नहीं है, लेकिन तोते की तरह वो रटता है। कई बार आप कहते हो ना कि ये विद्यार्थी तो ऐसा है कि तोते की तरह फटाफट रट लेता है, तो ये अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है। तो यू मेमोराइज एज इफ या एज दो यू वर ये पैरट, इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे। और एग्जाम्पल ले, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि राजा हो। यानी कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो खुद राजा हो, लेकिन वो राजा नहीं है। तो ये अनरियल कंडीशन है, तो आप बनाओगे ही बिहेव्स एज इफ या एज दो ही वर ए किंग।
वह मुझे ऐसे आदेश देता है जैसे कि मैं उसकी पत्नी हूँ। अब वास्तव में देखा जाए, रियल में तो वह उसकी पत्नी नहीं है, तो ये अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है। तो आप लिखोगे ही ऑर्डर्स मी एज इफ या एज दो आई वर हिज वाइफ। वह इस तरह से मेरा पीछा करता है जैसे कि मेरा पालतू कुत्ता हो। कई बार आप बोलते हो ना कि यार वो मेरे पीछे पीछे कुत्ते की तरह आता है, लेकिन वास्तव में देखें तो वो कुत्ता नहीं है, यानी अनरियल कंडीशन को शो कर रहा है। तो ही फॉलोज मी एज इफ ही वर माई पेट डॉग। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल है, आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, केवल आपको स्ट्रक्चर को पकड़नी है। कुछ और एग्जाम्पल ले, वह ऐसे बात करती है जैसे कि वह सब कुछ जानती हो। देखिए अब यहाँ वर्ब दी हुई है यानी जानना, तो फिर आप सेंटेंस कैसे बनाओगे? ही टॉक्स एज इफ सी वुड नो एवरीथिंग, यानी कि यहाँ जो सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि सी टॉक्स एज इफ सी न्यू एवरीथिंग, लेकिन सामान्यता जो है जब कंडीशन ये इस तरह से होती है हमारी प्रेजेंट में फर्स्ट सेंटेंस, तो हम जो है और सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट में होता है या फ्यूचर में, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो ज्यादातर इस यही चलन में है, इस तरह से ही बनाया जाता है, एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हो। तुम ऐसे बोलते हो जैसे मुझे जानते हो। अब देखिए वो रियल में उसे जानता नहीं है, तो अनरियल कंडीशन की बात हो रही है। यू स्पीक एज इफ यू वुड नो मी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप यू भी बना सकते हो यू स्पीक एज इफ यू न्यू मी, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसा लगता है मानो कि बारिश होगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये फ्यूचर में है, तो फिर आप जो है जैसे बताया वैसे ही लिखोगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। तो इट सीम्स एज इफ या एज दो इट वुड रेन, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वह ऐसे बात करता है जैसे अमेरिका जाएगा, लेकिन वो कहीं जाएगा नहीं, केवल वैसे ही बातें करता है, तो अनरियल कंडीशन है। तो ही टॉक्स एज इफ या एज दो ही वुड गो टू अमेरिका। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है और इस तरह से जो है आप सेंटेंस बना सकते। अब कुछ और एग्जाम्पल ले, तुम ऐसे दिखते हो या तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे कि तुमने 10 दिनों से खाना नहीं खाया हो। अब देखिए ये हमारा जो सेकंड पार्ट है ना, ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो अब यहाँ पे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो आप लिख सकते हो यू लुक एज इफ या एज दो यू हैड नॉट ईटन फूड फॉर 10 डेज, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम ऐसे दिखते हो या तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे कि तुमने 1 साल से स्नान नहीं किया हो, तो अनरियल कंडीशन शो कर रहा है, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो रोज नहाता हो लेकिन वो ऐसा दिख रहा है, तो एक अनरियल कंडीशन है। तो आप बनाओगे यू लुक एज इफ यू हैड नॉट टेकन ए बाथ फॉर ए ईयर, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा लगा जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। देखिए अब इस तरह के सेंटेंस भी आपको मिल जाएंगे जब फर्स्ट सेंटेंस हमारा जो है पास्ट में होता है और सेकंड जो पार्ट है हमारा किस में होता है, ये प्रेजेंट में ही है या फिर फ्यूचर में हो, तो भी आप इसका यूज इस तरह से करोगे। इट सीम्ड एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का आप यूज करोगे यहाँ भी। ऐसा लगा जैसे कि वह उत्तर जानता हो, तो इट सीम्ड एज इफ या एज दो ही न्यू द आंसर। अब आप इस चीज को भी समझ ले कि रियल और अनरियल कंडीशन क्या है, और मैं आपको दोनों बातें बता देता हूं कि एज इफ या एज दो का यूज हम रियल कंडीशन में भी करते हैं जब हम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका यूज करते हैं तब, जैसे कि वह ऐसे दिखता है जैसे वह उत्तर जानता हो, लेकिन यदि अनरियल कंडीशन की बात करें वास्तव में उत्तर नहीं जानता है, तब तो आप ऐसे लिखोगे ही लुक्स एज इफ ही न्यू द आंसर या ही वुड नो द आंसर, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
लेकिन यदि ये रियल है, वास्तव में वो उत्तर जानता है, तो फिर आप ऐसे लिखोगे जैसे ये सेंटेंस जिस टेंस में आप वैसे के वैसे लिख दोगे, तो ही लुक्स एज इफ या एज दो ही नोज द आंसर। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये रियल कंडीशन की बात हो रही है, तो हम दोनों कंडीशन में इनका यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत कम रियर केसेस होते हैं क्योंकि और भी हमारे पास इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं इतने सारे जिनका हम यूज करते हैं। ज्यादातर एज इफ और एज दो का यूज हम अनरियल कंडीशन के लिए ही करते हैं। एक और देख लो रियल अनरियल कंडीशन का एग्जाम्पल ताकि क्लियर हो जाए आपको। वह ऐसे बात करती है जैसे कि सब कुछ जानती हो। यदि वास्तव में ये अनरियल कंडीशन है वो नहीं जानती, तो सी टॉक्स एज इफ या एज दो सी न्यू एवरीथिंग या सी वुड नो एवरीथिंग। लेकिन वास्तव में ये रियल बात है, वो जानती है, तो ही टॉक्स एज इफ सी नोज एवरीथिंग। फिर जिस टेंस में ये दिया है आप वैसे की वैसे लिख दोगे, तो सी नोज एवरीथिंग। एक और एग्जाम्पल ले लो। ऐसा लगता है मानो कि बारिश होगी। यदि अनरियल कंडीशन है तो इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन, लेकिन वास्तव में ही बारिश होगी तो इट सीम्स एज इफ इट विल रेन, यानी जिस टेंस में दिया हुआ है आप वैसे की वैसे लिख दोगे। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और सारे पैटर्न मैंने आपको समझा। आप कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल है जो आप खुद करें और खुद बनाए कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। वह ऐसे दिखती है जैसे कि वह रानी हो, वह इस तरह बोलता है जैसे कि कुछ नहीं जानता हो, वह इस प्रकार आदेश देता है जैसे कि मेरा बॉस हो, तुम इस प्रकार भागते हो जैसे कि तुम दौड़ जीतोगे। तो इस प्रकार के और भी सेंटेंस है जो आप बना सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए मेरे साथ इंग्लिश। थैंक यू।